नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। दिल्ली में मार्च के महीने में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर काफी हल्ला हुआ। यह कार्यक्रम दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुआ था। लॉकडाउन लगने के बाद हजारों लोगों को जमात के सेंटर से निकाला गया था। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का दोष तबलीगी जमात को दिया गया। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस बारे में बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जमात के कार्यक्रम के बाद भारत में अचानक से मामले बढ़े, लेकिन इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तबलीगी जमात से गए लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर ली गई, साथ ही जिन्हें कोरोना हुआ उनका इलाज भी हो गया। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने डॉक्टर हर्षवर्धन से तबलीगी जमात के बारे में सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या इस घटना से मामला बदला। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, सच बात यह है कि ये बात पुरानी हो गई है, इस पे चर्चा भी बहुत हो चुकी है, इसका विश्लेषण भी बहुत हो चुका है। हमको कहते हुए बार बार इस विषय को रेस करते हुए तकलीफ और कष्ट भी होता है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि मार्च के दूसरे सप्ताह के आसपास अगर आप ध्यान करेंगे तो जब दुनिया में तेजी से संक्रमण हो रहा था और भारत में पहला केस आने के बाद डेढ़ महीना बीत चुका था, तब भी हमारे देश में जो केसेस थी उनकी संख्या बहुत मामूली थी। थोड़े से स्टेट्स में थोड़े से केसेस थे और उस समय ये दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और गैर हुई। और इस घटना में जहां पर ये घटना हुई वहां पर ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी। दिल्ली में कानूनन भी उस समय ये ऐसी स्थिति थी कि शायद 10-15 से ज्यादा लोग कहीं एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते थे और उस समय कम से कम 1-1.5 दर्जन देशों के लोग वहां पर आए हुए थे। और आप जानते हैं कि वो समय जो था सारे दुनिया में बहुत सारे देशों से जो आने वाले लोग हैं वही बीमारी भारत में ला रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग के हजारों लोगों के साथ मिलजुल कर रहना एडमिनिस्ट्रेशन की बगैर सूचना जानकारी के, और फिर वो जब जानकारी मिली उसके बाद उनको वहां से हटाया भी गया। बहुत सारे लोग वहां से पहले ही अपने हिसाब से जा चुके थे और उसके कारण शायद सारे देश में हर प्रांत में केसेस की अचानक संख्या बढ़ी। लेकिन मैं देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और उनके विशेषकर स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उनको और जो इस काम के अंदर होम मिनिस्ट्री की और संबंधित अधिकारी हो सकते हैं इस विषय के जानकार एक्सपर्ट्स, उन लोगों ने जो मदद किया इसमें, हमारा आईटी डिपार्टमेंट का भी योगदान था, हमारे जो एनएसए थे उनका भी योगदान था, हेल्थ मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर उन्होंने भी बहुत गहराई से मदद किया, सभी लोगों ने मदद किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन लगाने को सही फैसला बताया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने एक तरह से प्रभावी सामाजिक वैक्सीन की तरह काम किया, यह फैसला सही समय पर लिया गया। कई विकसित देशों ने लॉकडाउन लगाने में समय लगाया, ऐसे में हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो गए। भारत में 25 मार्च को लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से इसे 3 बार बढ़ाया जा चुका है, अब देश में 31 मई तक लॉकडाउन है। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।